राजू भैया ही इज़ ए नाइस पर्सन और बहुत ही प्यारे बंदे हैं और मेरे बड़े भाई हैं और भोजपुरिया सुल्तान रियल सुल्तान मतलब फिल्म में तो है ही, रियल में सुल्तान दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं, लोगों को कोऑपरेट करने वाले, लोगों को सहायता करने वाले और दोस्ती के लिए जान देने वाले उनमें से है राजू भैया और उनका आज बर्थडे है। मेरी तरफ से विशिंग है हैप्पी बर्थडे टू यू राजू भैया, मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ बर्थडे, आप सारे खुश रहें, ऐसे ही राइज करते रहें और जो आप चार्मिंग हैं आपकी हमेशा ऐसे ही बनी रहे, मेरी विशिंग यही है राजू भैया के लिए। गणपति पूजा चल रही है, गणपति पूजा के बारे में बताइए और स्वच्छता को लेकर थोड़ा सा विशेष रूप से आप बताइए दर्शकों के लिए। गणपति पूजा चल रही है और इस गणपति पूजा में बहुत पावन पर्व है, इसमें मेरा एक गाना भी आया है आप लोग सुनिएगा यूट्यूब पे है गणपति बप्पा आला रे और बहुत प्यारा सॉन्ग है और मैं चाहूँगा कि गाना को आप लोग सुनिए और गणपति बप्पा का आशीर्वाद लीजिए। और स्वच्छता के ऊपर ये है कि स्वच्छता हमेशा ज़रूरी है, हर जगह हर किसी को केयर करना पड़ेगा क्योंकि एक आदमी से स्वच्छता नहीं होती है, हम सारे समाज को एकजुट होकर के हमें स्वच्छता की तरफ ध्यान देना होगा। और जैसे हमारे पूजा पाठ त्यौहार है जिसमें हमारे मैंने जू गया था गणपति विसर्जन में तो मैंने वहाँ पर देखा कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा सुविधा लगा रखी है कि जो फूलों से सारी चीज़ों से जो पानी में चीज़ें होती है वो वहाँ पे कुछ लोग लगे हुए थे कि वह जैसे विसर्जन के बाद उठाया और गाड़ी में डाल दिया, तो इससे ये प्रेरणा है और अच्छा है कि हमारा जल दूषित नहीं हो और वह चीज़ को एक जगह पे समूह पे फिर उस चीज़ को रख दिया जाए जो हमारी मुक्ति है, वो भी हमारी एक धार्मिक चीज़ है जिसको आप अच्छे से रिसेट करें। और जस्ट आने वाले नवरात्रि जो हमारे बिहार में धूमधाम से मनाया जाता है, डांडिया मनाया जाता है, तो मैं चाहूँगा कि सारे त्यौहार जो हमारे आने वाले हैं नवरात्रि दशहरा दीपावली और छठ ये सब पावन पर्व को आप लोग इन्जॉय कीजिए सबके साथ मिलजुल कर। और जस्ट हमारी फिल्म आने वाली है दीपावली में इश्क वाले, तो ज़रूर देखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी।